सो गाइस, आज हमारे पास है ओला, जो काफी लोगों की मनपसंद गाड़ी है और सब काफी इसे लोग पसंद कर रहे हैं। और YouTube में बहुत ज्यादा ही इन्हें इसकी रिव्यू के लोग लेकर उत्सुक हैं, जो आप देख सकते हैं। और आजकल की जेनरेशन के लिए एकदम क्रेजी गाड़ी है, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गाड़ी को लेके और देखना चाह रहे हैं। मैं जहां भी मार्केट में जाता हूँ गाड़ी को देखने के लिए, जो ऑडी लेके घूम रहे हैं वो भी ओला को देखने के लिए रुक रहे हैं। तो सोच लीजिए कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है। सो हे गाइस, आज बहुत सारे रिव्यूज आपने देखे होंगे, मगर आज हमारे पास ओला S1 Pro है, मगर S1 है। और हम बात करने वाले हैं ओला S1 Pro में S1 की फीचर्स, क्योंकि सारे ने रिव्यू दिया है S1 Pro के बारे में, मगर मैं देना चाहता हूँ S1 के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि S1 है, S1 Pro गाड़ी दिया गया है, मगर S1 के फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि मैंने S1 परचेस किया था, इसीलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों ने S1 Pro के बारे में रिव्यू दिया है। तो आइए हम लोग पहले गाड़ी को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो आप गाड़ी तो देख ही चुके हैं रिव्यू में, ये कैसा है। सारे ने दिखाया है कि ओला S1 Pro सेम फीचर्स, सेम मॉडल, सारा चीज दिया गया है अभी, बस खाली इसमें हाइपर मोड अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि मैंने S1 है, मेरा गाड़ी S1 दिया है, इसीलिए इसमें हाइपर मोड नहीं दिया गया है अभी। बाकी सारे फीचर्स तो लॉक ही है, मगर सारे में जो भी S1 Pro परचेस किए हुए हैं, चाहे जो चला रहे हैं, उनको हाइपर मोड दिया गया है और मेरे में नहीं है। तो इसके रेंज और स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं एक बार फुल चार्ज कर लेता हूँ तो यह 106 किलोमीटर चलती है, 106 किलोमीटर दिखाती है हमारे स्क्रीन पे। और इसकी स्पीड बात कर ली जाए तो नॉर्मल में वही 80 तक जाएगी, 0 से लेके 80 तक। उसके बाद आप स्पोर्ट्स मोड इसमें दिया गया है, हाइपर लॉक है सिर्फ, तो इसमें स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी जाती है तो वो 95 तक जाती है, 95 के बाद गाड़ी नहीं जाती है आगे। बाकी इसमें सारा फीचर्स जो है वो S1 Pro के जैसे ही है, बाकी क्रूज कंट्रोल ये सब तो आया नहीं है फीचर्स, तो उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं फिलहाल। बाकी पूरी गाड़ी को आपने तो अच्छी तरह से देख ही चुका होगा और सेम फीचर सारा चीज है। आइए तो गाड़ी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि रेंज जो यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पहले S1 में बोला जा रहा था कि 121 क्लेम करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गाड़ी है वो फुल चार्ज होने पर 106 दिखाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि 90 ही चलती है, क्योंकि उसके बाद इको मोड शुरू हो जाता है 20 के बाद और गाड़ी में टांग खत्म हो जाती है, गाड़ी मतलब उसके बाद स्पीड नहीं चलने लगती है। आप सिंगल राइड में हो, सिंगल पर्सन चला रहे हो तो 40 तक जाएगी और चढ़ान उड़ान आ जाएगी तो गाड़ी चढ़ नहीं सकती है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि वैसे तो मान लीजिए जो लेने चाह रहे हैं कि 106 चलेगी, फिर भी तो वैसा नहीं है, तो सोच समझ के परचेस कीजिएगा, अब तो आपकी मर्जी है। वैसे गाड़ी बहुत दमदार है जो भी है, और इसका मैंने इसमें 3 से 4 लोड की चलाया है और काफी खराब खराब जगहों पे चलाया है, जो बहुत अच्छी चल रही है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और देख सकते हैं जैसे कि सस्पेंशन किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 लोग में बैठ जा रहे हैं आराम से। ये नहीं सोच सकते कि बैटरी गाड़ी है तो 3 लोग बैठेंगे तो नहीं चलेगा, ऑफकोर्स एकदम आराम से बैठे, कम्फर्टेबल होके गाड़ी आराम से चल रही है, जो इसमें कोई डाउट नहीं। सभी के मन में होगा कि जब ओला मैंने खरीदा है तो ये ओला S1 और S1 Pro में प्राइस कितनी कितनी हो सकती है, तो मैं सभी को बता दूं ओला S1 Pro जो है वो 1,40,000 में आ रही है, और ये जो मेरा गाड़ी है वो मैंने 1,25,000 में परचेस की हुई है, वो भी कैश दी थी मैंने, तो ये मुझे डिलीवर हो गई है, वो 16 फरवरी को डिलीवर हुई थी। तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी को कि ये जो मैं अभी ये ओला S1 जो है उसको मैं और 15,000 दूंगा तो S1 Pro में कन्वर्ट करा सकता हूँ, ये फीचर्स मेरे में दिया गया है।
मैं जब भी वो पैसा पेमेंट करता हूँ 15,000 और, तो जो हाइपर मोड है और जो भी S1 प्रो में फीचर्स आने वाले हैं जो अभी आए नहीं है वो भी मेरे को मिल सकते हैं। तो मैं जब भी पेमेंट कराना चाहता हूँ 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी मैं करवाऊंगा तो ये S1 मेरी गाड़ी है वो S1 प्रो में कन्वर्ट हो जाएगी। मगर जो गाड़ी है वो तो S1 प्रो ही है, जो भी इंजन वगैरह है चाहे मोटर्स है चाहे जो भी है, इसमें इंजन तो है नहीं है वैसे, तो मोटर्स है जो भी पावर है वो सारा जो है जो S1 प्रो का ही है, मगर जो अपडेट जो फीचर्स है उसके वजह से रेंज कम कर दिया गया है मेरे गाड़ी का। बस वही बात है, जो मैं 15,000 पेमेंट करूंगा उसके बाद ये भी उतना ही रेंज क्लेम करेगी जो S1 प्रो कर रही है सबकी, तो वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि S1 प्रो कितनी रेंज क्लेम कर रही है रियलिटी, क्योंकि मैं S1 को चला रहा हूँ। तो S1 वही मैंने बोला कि 90 तक आपके लिए, 90 में कोई डाउट नहीं क्योंकि मैं 10 से 15 किलोमीटर तो आप नहीं चलाते क्योंकि इको मोड शुरू हो जाता है, चार्जिंग का ऑप्शन आने लगता है गाड़ी में तो आप घर की तरफ लौट जाते हैं। तो वही मैंने अभी तक इसमें जब 5 किलोमीटर बाकी था आखिरी तब मैं घर पे लाके लगाया था, तो गाड़ी वैसे चल नहीं रही थी जैसे शुरुआत में बुलेट की तरह चलती है एकदम, एक बार एस्केलेटर लेने पे एकदम बहुत स्पीड धरती है। और बाकी सब मेरे रिव्यूज में आपने देखा ही होगा कि स्पीड के मामले में तो कोई कंपारमाइज हुई नहीं है गाड़ी में, तो ठीक ही है। और जैसे कि मैंने पैसा बताया है आप सभी को तो देख लीजिए जो हिसाब से है, मैंने तो भाई S1 का भी मजा ले रहा हूँ और S1 प्रो दोनों का ही मजा लेना चाहता हूँ, तो मैं 15,000 और पेमेंट करवाऊंगा। अब कब करवाऊंगा ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं दोनों का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। ये ओला वाले ने बहुत अच्छी ही गाड़ी बनाया है और बाकी सब तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो मिलते हैं जैसा आप लोगों को पसंद है। थैंक यू।